हाय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे खदीजा मुझे नोज में डालने के लिए कुछ दे रही है। हाँ, ये चलेगा। ठीक है, ऐसे दो तीन बनाओ। हाँ, थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि वो निकल जाए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। शाम की चाय का वक्त हो गया और आज स्पेशल है भोपाल के टोस्ट। ये कहाँ से खालू मिलते हैं भोपाल में? काजी कैंप से लाए हैं। काजी कैंप से? ये जुमराती में मिलते हैं ना? जुमराती पूरे भोपाल में मिलते हैं। भाई बहुत अच्छे। एक किलो जाओ और बढ़ेगा, क्योंकि पूरे घिस गए हैं। लेकिन टेस्टी बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे हैं। कभी कभार के लिए सही, कभी कभार के लिए। कभी लेने के लिए बैठे। चलो ले ले ले। इतना लेट नहीं जाएंगे अब, क्या जाएंगे? खिलाड़ी है। क्यों अच्छे लग रहे हैं दोनों के? सबसे ज्यादा बताओ। जिसके चूज किए थे मुझे उसी के पसंद आएंगे। दोनों के अच्छे। अरे तुम दिखाओ। चालू करें, थोड़े दिन बाद दांत भी बड़े लगने लगेंगे। सही बात है। किसके अच्छे लग रहे हैं बताओ? किसके अच्छे हैं? थोड़ा खिल रहा है, लाल है तो देखो अपनी चॉइस से होता है। तुम्हें ग्रीन पसंद है ना, तो बस। दुनिया में हर तरह के इंसान है और हर तरह की अलग अलग पसंद है। बच्चे हैं तो वो पैरों में भी लगा लो। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस ब्लॉग में अब आपसे मिल रही हूँ कि मेरी हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा इकट्ठा जब रेडी हो जाऊंगी तब आपसे मिलूंगी। तो आज जैसे आपको पता है कल सारा चली जाएगी, तो आज हम इसे फाइनली घुमा देते हैं और हम सब लोग घूम के आते हैं, मजे करके आते हैं। अच्छा, इन्होंने पहले प्लान किया था कि लोग ताज जाएंगे, फिर मैंने उनको समझाया कि देखो वेस्ट ऑफ मनी है, तुम लोग एक जगह जाओगे वहां पे सिर्फ जाके बैठोगे, सिर्फ ताज सुन के ताज मत चलो। अगर तुम्हें वहां पे कुछ खाना है, इंजॉय करना है, कुछ ऐसी चीज है जहां पे तुम्हें मजा है तो चलो। फिर उनको समझ में आया, तो फिर हमने प्लान किया कि चलो हम मरीन ड्राइव चलेंगे या और भी जगह चलेंगे। तो इसके लिए मैं रेडी हो रही हूँ। मैंने बाकी थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया है। तो ये टॉप पहना है जो हमने उस दिन खरीदा था, इसका ब्रांड मैं आपको बता दूंगी अगर आपको इस तरह के शॉर्ट लूज वाले टॉप्स चाहिए। अभी बची है लिपस्टिक। हम सभी अपने फेस पे एक अच्छा सा लिप कलर चाहते हैं, लेकिन ऐसा लिप शेड ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है जो हमारी स्किन टोन से मैच करे। उससे भी ज्यादा मुश्किल ये होता है कि ऐसा लिप कलर मिले जो हमारे लिप्स को ड्राई ना करे, स्ट्रेची ना दिखाए, क्योंकि फिर वो बहुत गंदा लगता है। तो अब मामाअर्थ ने हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। वैसे पहले कर दी थी, मैं आपको लिपस्टिक्स के बारे में बता चुकी हूँ, और जब से ये लिपस्टिक मैंने यूज की ना, ये मेरी फेवरेट हो गई है। और मैंने इसमें इस तरह से उसको रख लिया है ताकि मुझे जो भी कलर चाहिए वो मैं अच्छे से अप्लाई कर सकती हूँ। तो अभी मैं लगाऊंगी मामाअर्थ की मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक, मेरा फेवरेट, और मेरी ड्रेस के साथ भी मैच करेगा, प्लम पंच। ये लिपस्टिक्स का जो पिगमेंट है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस है, नॉन ड्राइंग फॉर्मूला है, और ये फ्रेंड्स एकदम स्मच प्रूफ भी है और 12 आवर्स तक हमारे लिप्स पे एकदम स्टे करती है। इसमें ब्राइटनिंग और मॉइस्चराइजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी है, जैसे कि एवोकाडो और विटामिन ई। हमारे लिप्स को ये 8 आवर्स तक मॉइस्चराइजेशन भी देते हैं। बहुत ज्यादा लाइट वेट है और आप इसे डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, तो इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स, टॉक्सिन्स और पैराबेंस नहीं। लिपस्टिक्स में 9 डिफरेंट शेड्स आते हैं आपके हर जरूरत के हिसाब से, फंक्शन हो या नॉर्मल पार्टी हो या फिर फ्रेंड्स के साथ आउटिंग। और फ्रेंड्स ये सारी लिपस्टिक्स जो है वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत अच्छे, जैसे कि एवोकाडो ऑयल हमारे लिप्स को मॉइस्चराइजेशन भी देता है, और साथ साथ उनसे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती है, और विटामिन ई भी है इसमें जो हमारे लिप्स से पिगमेंटेशन को भी कम करता है। ये लिपस्टिक्स बहुत अच्छी लगी, आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। और मुझे मामाअर्थ की एक बात बहुत अच्छी लगती है, उनका प्लान गुडनेस इनिशिएटिव। तो जब भी आप उनसे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, आपको ऑर्डर वो ट्री के साथ लिंक कर देते हैं जो कि उन्होंने प्लान किया होता है। 2025 तक मामाअर्थ 1 मिलियन ट्री प्लान करने का टारगेट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स मामाअर्थ की ऑफिशियल ऐप भी है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां से जाके आपको डाउनलोड कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपको हर ऑफर का अर्ली एक्सेस मिलेगा, जिससे आप ज्यादा डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छे लगे तो आप इसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, नायका, मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से परचेज कर सकते हो। आप उनकी वेबसाइट या ऐप से परचेज करोगे तो मेरा कोड यूज करना मत भूलिए, जो कि सबर 2022, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आज निकलते निकलते इतना शाम हो गया, 7:45 हो गया, अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं। मैं रेडी हो गई, मैं बाहर आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ, मतलब वैसे स्कर्ट पहना है, टॉप पहना है। अल्लाह हाफिज अम्मी, अल्लाह हाफिज नाते खाला, आ रहे हैं कालू, आ रहे हैं। बहुत ज्यादा मेकअप करके आई हो ना आज, मैं चूज करो सारा, कुछ नया नहीं आया। और भी है कुछ इसके अलावा कलेक्शन? इसके लिए फ्रेंड्स आजकल मुझे नोज में बिंदी लगा के काम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ पहन तो पा नहीं रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं शॉप वाले भैया से बोल के इसलिए हंस रही थी कि ऐसी सेम सारा ने लास्ट ईयर ग्रीन कलर में ली थी, आप कुछ तो नया कलेक्शन लाओ। फिर ये क्रॉक्स ट्राई किए सारा ने, और उसको कुछ नया पहनना था तो ये उस पर अच्छे लग रहे थे, तो फिर हमने उसको इस बार ये इस तरह के क्रॉक्स ही दिला दिए, क्यूट भी लग रहे थे उस पर।
भाई ऑटो में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कार और रेहान दोनों बाहर हैं और देखो हमें आधे रास्ते में मिल गए हैं और हम साथ में बैठ के जाएंगे। कब से खड़े हो? आधे घंटे हुआ, दूसरा जीता तीसरा सेमीफाइनल। चलो सेकंड तक तो गया। ताज नहीं गए तो ताज के पास हम आ गए हैं बड़े मियाँ। अब खाओगे कैसे? चम्मच। रोटी चम्मच से खाओगे? निकाल दो। नहीं, वहाँ पे खाने की कोई इतनी ज्यादा वैरायटी नहीं है, वहाँ पे बस ये भुना चिकन अच्छा मिलता है और रुमाली रोटी अच्छी मिलती है। तो फिर हम मीठा खाने के लिए कोई दूसरी जगह गए थे। ये है रिजा का चॉकलेट शेक, ये है मेरा मैंगो शेक। भैया कैसा लग रहा है? अच्छा है अभी हम जा रहे हैं घर। और ये जो क्लिप है ये मैंने नेक्स्ट डे उठ के ली थी, तबीयत ठीक नहीं थी। और चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर आ गए क्योंकि यहाँ पे वॉलपेपर लगना है। और ये सोफे की हालत देखिए, गलती करी पहले से इसकी पन्नी निकाल के, जब एसी लगी तो उसका पूरा धूल उसमें आ गया। और वॉलपेपर लगाने वाले भैया आ गए हैं, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और वो किस तरह से लगाते हैं वो लगाना देख के बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब हर चीज़ का अपना अपना एक टैलेंट है। हाँ, कितने फिनिशिंग से वो लोग दो पल में लगा देते हैं। अभी मैं रिजा और सारा को लेके कहीं जा रही हूँ और आज सारा को निकलना भी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं बोरीवली। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस स्टेशनरी है और अभी स्कूल्स भी ओपन होने वाले हैं और आज सारा चली जाएगी। और सारा के जाने से पहले मुझे इन्हें यहाँ पे लेके आना था क्योंकि उसके जाने के बाद अगर मैं रिजा को लेके आती ना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, वो वहाँ पर बहुत मिस करती। और वैसे भी सारा के जाने से पहले उसे बैग और ये सब स्कूल के लिए हमेशा दिलाते ही हैं, तो हमने कहा इस बार इसे हम यहाँ पर लेके चलते हैं और काम भी हो जाएगा और आप सबको भी दिख जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा इनको यहाँ ले जाके। अभी यहाँ पे जो देख रहा है स्कूल के लिए वो ले लो। अच्छा आप इधर लाई थी, बता नहीं रही थी। बैग्स भी हैं, पहले बैग ले लें क्या? कौन सी क्लास? 10th। मेरे 10th के लिए बैग, ये ब्लैक भी अच्छा है। सारा का हमेशा का एक डायलॉग रहता है, शैलोपी आप पसंद करिए ना, आप बताइए ना, तो बड़ा मुश्किल होता है चूज करवाना। सारा इसमें साइड पॉकेट भी है। ये मैं ले रही हूँ। ये सारा की मैं मैच कर रही है। रिजा का दिमाग काम नहीं कर रहा, इतनी सारी बॉटल्स देखी। यहाँ पे स्टेशनरी, डेकोरेशन और जरूरत की चीजों की क्या क्या तो कलेक्शन है, मतलब सब कुछ है। आप बोलो और आपको हर चीज वहाँ मिलेगी। बॉटल्स का भी देखिए कितना सारा कलेक्शन है। ये स्कूल्स में जो भी जरूरत पड़ती है ना, मार्कर और वो क्या जिसे हाईलाइट करते हैं। रिजा तो ना पाउचेस, रिजा तुम्हें ये चाहिए था, एक बार मांगा था कोई, कुछ जीती थी। वही तो, वो 1 मिलियन का गिफ्ट मांगा था। कलर्स नहीं है? अच्छा हाँ, पेंसिल इरेजर ये सब तुम्हें स्कूल में काम आएगा। और कलर्स इधर है? कलर्स की जरूरत नहीं है, कोई भी बहुत है, कलर है? बहुत सारे हैं। पेन है, पेन चाहिए, कलर्स चाहिए, पेन का पेन तुम्हें तो नहीं चाहिए? नहीं, मेरे पास है। जा दिमाग बोल रही है, कहीं आगे कहीं और चल रही है बातें, कहीं प्रोजेक्ट का कुछ। अब यार प्रोजेक्ट गए हैं, अब नहीं आएंगे। अब बड़ी हो गई तुम, अब 5 वाले आएंगे। ब्रशेस बीच में तो मेकअप के मेकअप के नहीं है। अरे ये देखिए ना, मुझे इधर लगता है हाईलाइटर का नहीं है। दीवार में करना है क्या? नहीं, बड़े बड़े पेंटर्स के लिए जगह है ना, प्रोफेशनल लोगों के लिए ये सेक्शन है। फ्रेंड्स इतनी बड़ी जगह है कि आप लोग देखते ही जाओ और समझ ही नहीं आएगा कि क्या लो क्या नहीं लो। मेहंदी का भी है। अरे रिजा इसी से मेहंदी लगा सकते हैं। क्राफ्ट का है, कभी और ले जाएंगे।
रस्सी ले लूँ क्या? हाँ हाँ ले लूँ। तुम्हें भी चाहिए? नहीं चाहिए। ये दो का सेट ले लो। उचका लगेगा। सारा थोड़ा चपटा लेना। हाँ। उसके पीछे कार्ड। ऐसे वाले ले लो ना सारा। इसका क्या करें? बोल चलेंगे। इसको लंच लेके जाना। लंच के लिए? नहीं। सारा तुम्हारे से तो यही मैच करेगा यूनिकॉर्न। चलो हो गया। ठीक है डन। अच्छा हाँ। कार्ड्स भी है। क्या हम लोग मॉल नहीं आएंगे, यहीं पे आएंगे। अच्छा लगा, अच्छा। इसलिए हम स्पेशली तुम्हारे जाने से पहले आना चाहते थे। ये अच्छा, ये वो पर्पल पीछे वाला देख। सच में है? हाँ सो सच में। दिखाओ दूर से। हाँ ये पूरा पॉकेट हो गया। अरे यार सारा फोल्डर बड़ा वाला जो कैसे पता चला? मैंने सर्च किया। तारक मेहता में तो पी लो ना। बैठो, अपना अलग अलग कर लो। कभी किसी को नोट भेजने पड़ते हैं किसी के अंदर डाल के, तो वो डिजाइनर एनवेलप के डिजाइन। ये सबको दिखा दो। एक ही बैग, ये बॉटल, ये अम्ब्रेला, ये पेंसिल, ये लंच और ये पेन, ये पूरा सेट, ये बॉक्स। ये पेन पांच वाला है ना? ये सीजर आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, वाटर बॉटल और ये नोट्स लिखने के लिए से पेपर्स। एक पाउच मतलब सीजर वो सब डालने के लिए स्कूल से हटके, और ये आर्ट बुक मेरे हान का। अरे अंकल ले जा, गंदा हो जाएगा। अच्छा चलो सूटकेस में रख लो। अभी एक घंटा है, कुछ बचा है तो बताओ। कुछ नहीं बचा। कुछ भूल तो नहीं रहे? बच्चा है ना, अभी अंबिका जाएंगे उसको चीज दिलाने के लिए। मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी। चलो भी आज में सच में थी, आज पता नहीं क्यों सुबह से रात में मन करेगा। तुमने कुछ खाया? हमने चाय तो उस खाया। उसके बाद जाओ खाना खाओ पहले। अभी खा ली। नहीं नहीं सारा फिर तबीयत खराब हो जाएगी। मैं तो जा ही रही। सही है, भोपाल में बारिश होती है। बहुत क्यूट है, भोपाल में बारिश होती है। अरे मतलब यहाँ ज्यादा होती है तो क्या पता वहाँ नहीं होती। नहीं तुमने वादा किया था तुम नहीं रहोगी। नहीं ना रिजाओ चले, पक्का आएंगे, प्रॉमिस करो नहीं रोगी। ठीक है हम जल्दी आएंगे। नई वाली चप्पल रखी और खुशी से जाओ। पानी रखा? हाँ दीदी मैंने। नहीं सब ये लो खाना, फिर भूल गए। चलो फ्रेंड्स, इस वक्त सारा और नाचा का लोग चले गए हैं और अभी तो बस घर बहुत अजीब सा खाली सा हो गया है।